हेलो एवरीवन, टेस्टी फूड विद उत्कर्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ उत्कर्षा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए डोनट्स की रेसिपी। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम मैं बनाने सिखा रही हूँ आपको बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट डोनट्स, तो जिसे आप बना सकते हैं बिना ईस्ट के। और ये देखिए, बिना ईस्ट के मैंने इसे बनाया है और ये अच्छे से फूल कर बिल्कुल तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी इसकी टेस्ट आई है। तो चलिए बिना देर के झटपट डोनट्स बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 1 कप मैदा, 1/4 कप पीसी हुई चीनी, और हम ले लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर ले लेंगे। तो यहाँ पर ये मेज़रमेंट वाली 1/2 टीस्पून है, तो मैंने इसे 2 टाइम्स डाला है, यानी टोटल मैंने 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाला है। और 2 टेबल स्पून हम डाल देंगे इसमें दही। दही जो है वो रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इसे हम मिक्स कर लेते हैं और थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम इसमें पानी डालकर इसके सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। थोड़ी थोड़ी करके ही पानी डालें क्योंकि इसमें हमने चीनी यूज़ किया है और चीनी जो है वो भी मेल्ट होगी, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी डाल करके सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, हाथों में थोड़ी सी ऑयल लगा लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसे ढक करके 1 घंटे के लिए एज इट इज़ छोड़ देंगे। 1 घंटे हो गए हैं और ये देखिए आटे जो है हमारी अच्छे से फूल कर तैयार हो गई है, बहुत ही अच्छे से फूल गई है, अच्छे से फर्मेंट हो गई है। तो बस अब हमें कुछ नहीं करना, अब हम फटाफट से डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो बस इसे हम इसके बॉल्स बना लेते हैं और उसके बाद सूखे मैदे से हम डस्ट करेंगे और उसके बाद इसे हम बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बेलना है हमें, बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं, हल्की मोटी मैं आपको दिखाती हूँ। तो बस हल्की मोटी में ही बेलें क्योंकि ये जो जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये खुद ही फूल कर तैयार हो जाएगी, तो इसलिए हमें इसे ज़्यादा मोटी नहीं बेलना है। ये देखिए बस इतनी मोटी मैंने रखा है और अब हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप चाहें तो किसी ग्लास से भी इसे कट कर सकते हैं और एक छोटी सी कैप ले लेंगे हम और बीच में कैप से कट कर लेंगे। तो बस ये डोनट्स हमारी बन गई है, एक तो बन गई। आप चाहें तो एक ही बार में बड़े साइज़ में बेल लें और उसके बाद कट कर लें। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से डोनट्स को तैयार कर लिया है, अब हम इसे डीप फ्राई कर लेंगे। तो डीप फ्राई करने के लिए हम तेल को मीडियम गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है, मीडियम गरम होने चाहिए तेल। और उसके बाद और फ्लेम जो है वो लो होनी चाहिए, लो फ्लेम पे हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं आप, डोनट जो है बहुत ज़्यादा हमने मोटी नहीं बेला था और ये खुद ही फूल कर तैयार हो गई है, मोटे शेप में आ गई है। और अच्छे से हमें इसे उलट पुलट करते हुए दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो बस ये देख सकते हैं ये डोनट्स जो है हमारी फ्राई हो गई है, अच्छी गोल्डन कलर भी आ गई है, तो ये बिल्कुल रेडी है। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर आप चॉकलेट सिरप में इसे डिप करके भी इंजॉय कर सकते हैं। तो बस इस डोनट्स को हम निकाल लेते हैं, अच्छी गोल्डन ब्राउन हो गई है दोनों साइड से, तो बाकी सारे डोनट्स भी हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। डोनट्स हमारी फ्राई हो गई है, इसे आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, नहीं तो आप चॉकलेट सिरप या फिर डार्क चॉकलेट को मेल्ट करके भी इसे गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप लिया है, अगर आपके पास डार्क चॉकलेट हो और साथ ही साथ वाइट चॉकलेट हो तो आप उसे भी मेल्ट करके उसे अच्छे से गार्निश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने चॉकलेट सिरप लिया है और उसमें इसे हम डिप कर लेंगे इस तरीके से और निकाल लेते हैं। अगर आपके पास वाइट चॉकलेट है तो आप उसे इस पर डिज़ाइन कर बना सकते हैं जैसे मार्केट में मिलती है, या फिर आप कलरफुल स्प्रिंकल भी यूज़ कर सकते हैं, इस पर लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने तो चॉकलेट सिरप से ही यूज़ किया है, डार्क चॉकलेट यूज़ नहीं किया है। और ऊपर से मैं यहाँ पर से जेम्स से गार्निश कर रही हूँ, जेम्स को मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। और यहाँ पर मैंने कोकोनट पाउडर लिया है, उससे भी मैं यहाँ पर इसे गार्निश कर रही हूँ। तो ये डोनट्स बनकर बिल्कुल तैयार है, जैसे मन चाहे वैसे आप गार्निश करें, वाइट चॉकलेट डार्क चॉकलेट को यूज़ करते हुए अच्छे से गार्निश कर सकते हैं या फिर जेम्स का यूज़ करते हुए भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने जेम्स और कोकोनट पाउडर यूज़ किया है, आप कलरफुल स्प्रिंकल्स भी यूज़ कर सकते हैं।
तो बस ये डोनट्स हमारे खाने के लिए बिल्कुल रेडी है, बहुत टेस्टी डोनट्स बनकर तैयार हुई है। तो पसंद आई हो मेरी रेसिपी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट रेसिपी में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।